14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने लगभग 2500 साल बाद, जैसा कि धम्म की एक चैन होती है, एक सर्कल होता है, उसके अनुसार धम्म का झंडा नागपुर में दोबारा से गाड़ा और कई लाख लोगों ने धम्म की दीक्षा ली और अपने धम्म में वापस हुआ, उनकी घर वापसी हुई। भारत का धम्म है क्योंकि सारे दुनिया में जितने भी बुद्ध की फिलॉसफी को मानते हैं, वो अगर हम ये कहें कि सारे के सारे वो अब भारतीय हो गए, क्योंकि अगर भारतीय धम्म को मानते हैं तो भारतीय अपने आप ही हो जाते हैं। तो भारत एक बहुत बृहद देश है क्योंकि इसके धम्म को मानने वाले पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं और ये सबसे बड़ा एक धम्म है प्राकृतिक रूप से, और जो इसको नहीं मानते हैं वो भी इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें कहीं गॉड नहीं आता है। मगर धम्म जहां सबको एक होना सिखाता है, वहां भारत जैसे देश के अंदर कमाल की बातें भी होती हैं। फरवरी के दूसरे संडे को लगभग 25 साल से जो बाबा साहब ने संस्था बनाई भारतीय बौद्ध महासभा, उसके कुछ पदाधिकारी परिवार मिलन समारोह का कार्यक्रम लगाते हैं जो बुद्धा गार्डन है धौला कुआं पर नई दिल्ली में। जब आप एयरपोर्ट से आते हैं तो धौला कुआं बीच में पड़ता है और बहुत प्राइम लोकेशन पर ये जगह है, बुद्धा गार्डन राष्ट्रपति भवन के लगभग पीछे है। परिवार मिलन समारोह बहुत बढ़िया होता है, मगर धम्म में कुछ लोग धम्म को समझे नहीं और धम्म के संस्था के कई सारे टुकड़े कर दिए। उसी के कंपटीशन में एक कार्यक्रम एक संस्था ने लगा दिया, कहीं और एक संस्था बन गई, कहीं और एक संस्था बन गई। इस प्रकार धम्म को जो नहीं समझे उन्होंने धम्म के बहुत सारे टुकड़े करके और बहुत सारी संस्थाएं बना दी। ये बड़े शर्म की बात है, जो धम्मिक लोग हैं, धम्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए कि धम्म में टुकड़े होना कोई छोटी बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है। क्योंकि धम्म जैसी संस्था में भी अगर नेतागिरी होती है, धम्म जैसी संस्था में भी अगर भाषणबाजी होती है, धम्म जैसी संस्था में भी अगर लफाजी होती है, धम्म के लोग भी अगर आपस में पोस्ट को लेके, पद को लेके अलग अलग लड़ते हैं, धम्म को लेकर भी अगर लोग ये कहते हैं कि हमारी संस्था अलग है, हमारी है, तो एक तरह से उन्होंने धम्म के टुकड़े कर दिए, भगवान बुद्ध के टुकड़े कर दिए और उस फिलॉसफी के टुकड़े कर दिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी। यहाँ जो मेला लगता है वो मेला बहुत भव्य होता है, बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि अब सेम डेट में एक ही दिन दो मेला लगने लगे हैं, इसलिए अब इसकी भव्यता जीरो हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि धम्म के अंदर लड़ाई होना बहुत ही निकम्मापन, बहुत ही अकुशल बात मानी जाती है। धम्म तो करुणा, सील, भाईचारा, प्यार की निशानी है और उसी पर चलता है। इसका मतलब जो लोग आपस में झगड़ रहे हैं वो धम्मिक नहीं हैं, वो धम्म को मानने वाले नहीं हैं, और जो लोग उनको पोषण दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, वो भी अधम्मिक लोग हैं, धम्म को नहीं जानते। धम्म में किस बात का झगड़ा, धम्म में तो सबको एक साथ आना चाहिए, क्योंकि सारी संस्थाएं धम्म की एक साथ आएंगी। सारे भारत का धम्म अगर एक साथ इकट्ठा होगा, सारे भारत की सभी संस्थाएं अगर एक ही धम्म को मानती हैं और एक ही धम्म में अगर काम करेंगी, तभी तो धम्म धम्म है। अदरवाइज तो वो धम्म की जगह अधम हो जाएगा। बेशक लोग उसको कहते रहे कि हम धम्म को मानते हैं, धम्म का प्रचार करते हैं, वस्तु स्थिति यह है कि वो अधम को मानते हैं, अधम्मिक है और धम्म को वो जानते ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए ये बड़ी दुविधा है कि हम क्या करें। कई बार तो हमने ऐसा प्रयास किया कि चलो इस भी मेले में जाते हैं और उस मेले में भी जाते हैं, मगर फिर बाद में समझ में आया कि अगर हम इस मेले में भी जाते हैं और उस मेले में भी जाते हैं, तो हम तो खुद उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं जो धम्म को अधम में बदल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ही लोग समझेंगे कि मेरे पास लोग आए हैं तो मेरा जो डिसीजन है वो ठीक है। धम्म में अगर किसी को कुछ मिलता है तो शांति मिलती है और सुख मिलता है, इस शांति सुख को बांट के आगे तक जाना चाहिए। मगर धम्म में पोजिशन अगर कोई लेना चाहे, धम्म से नेतागिरी करना चाहे, धम्म में भाषणबाजी करना चाहे, धम्म में अपने पोस्टर छपा के अपना नाम करना चाहे, फिर उसको देखना पड़ेगा कि वो धम्म का व्यक्ति है या नहीं है। धम्म में या धम्मिक व्यक्ति के लिए ये सब चीज़ें बेकार की होती हैं। भगवान बुद्ध ने आज तक अपना प्रचार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ धम्म का प्रचार किया, व्यक्ति का प्रचार नहीं किया। इसलिए ये जो मेला लग रहा है या जो पूरे भारत के अंदर सैकड़ों संस्थाएं जो धम्म की बनी हुई हैं, ये कहने को बेशक धम्म का काम, इनको लगता है कि वो धम्म का काम कर रही हैं, रात को बहुत ज़्यादा पैर फैला के वो सोते होंगे कि आज हम धम्म का काम करके आए, वस्तु स्थिति ये है, रियलिटी ये है कि वो अधम का काम कर रहे हैं, वो अधम्मिक लोग हैं क्योंकि वो धम्म को अभी समझे नहीं।
धम्म में हजार शाखाएं हो सकती हैं मगर धम्म एक ही हो सकता है। धम्म में हजार शाखाएं हो सकती हैं मगर धम्म में किसी बात में अलग अलग शाखाएं होते हुए भी अलग अलग संगठन नहीं हो सकते। व्यक्ति आपस में विरोधाभासी नहीं हो सकते। तुम इस संगठन के हो, तुम इस संगठन के हो। मैं तुम्हें गाली बकूं, तुम मुझे गाली बको। मैं तुम्हारे लिए अपशब्द कहूं, तुम मेरे लिए अपशब्द कहो। ये धम्मिक लोगों की बात नहीं है। इसलिए बराए मेहरबानी के आप सभी से निवेदन है, पूरे भारत के जितने भी धम्मिक लोग हैं जो भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की बात को मानते हैं, कि वो 2020 तक 14 अप्रैल तक इन सारी धम्म की संस्थाओं को एक करें। और एक ही धम्म है, ताकि हमारे जैसे जो लोग हैं जो धम्म को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं अपने जीते जी, उनको इस बात का संतोष रहे कि भारत में एक संस्था है जो धम्म को आगे बढ़ाती है और ये लाखों करोड़ों लोग उसी के अनुयायी हैं। धम्म में कैसा झगड़ा? धम्म में तो अगर झगड़ा है तो फिर वो आदमी धम्म का नहीं है। छोटी सी बात है जो बहुत बड़ी धम्म में कही जाती है। लोग खुद धम्म का प्रचार करते हैं मगर धम्म का पालन नहीं करते, आपस में झगड़ते हैं। ऐसी जगह जाके आपको धम्म नहीं मिलेगा, अधम ही मिलेगा। मेरा सभी धम्मिक लोगों से निवेदन है कि ऐसी संस्थाओं को कंडेम करें, ऐसी संस्थाओं को जाके बोलें, उन संस्थाओं के लोगों से कहें कि आप अधम को ना फैलाएं, पहले आप एक हो जाएं। जितने बुद्ध विहार हैं उनकी सबकी एक भारतीय बुद्ध विहार जो कल्चरल कमेटी है या जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, ऐसा करके कोई संगठन बने। जितने भी भारतीय बौद्ध महासभा अलग अलग हैं या जितने भी धम्मिक और संस्थाएं हैं, वो सब एक ही तरह से आएँ। बेशक नया नाम बनाए, पुराना बनाए, वो सब आप जानें, मगर इस सबको एक कर दें। अगर एक नहीं करते हैं तो हमारे जैसे लोग धम्म में आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा मायूस हैं इस बात के लिए कि हम किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं। क्योंकि अगर धम्म की संस्था है तो सब साथ होनी चाहिए, और अगर अधम की संस्थाएँ हैं तो फिर जाने का फ़ायदा ही क्या है। धन्यवाद।